हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में निकलना हो गया और एकदम से आ गई। और सबसे पहले ना हमने जो जगह देखी थी वो देव प्रयाग में जो दो गंगा मिलती हैं उनका हमने मेल देखा था, अलकनंदा और भागीरथी का। तो कुछ वीडियोज हैं देव प्रयाग की, गंगा की, रुद्रप्रयाग की, तो हम नहीं देख पाए थे जल्दी जल्दी में, लेकिन देव प्रयाग की देखी थी और वो बहुत अच्छी थी। और चलो फिर शुरुआत करते हैं मेरे ब्लॉग की। अब गंगा का संगम देखने के बाद ना हम निकल पड़े आगे और हमें बहुत भूख लगी, तो हमने सोचा ना कुछ खाने पीने के लिए लगवा लेते हैं। लेकिन यार क्या बताऊँ, पहाड़ी खाना ना यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो एक्सपेक्ट मत करना पहाड़ पे आके आपको अच्छा खाना मिलेगा, मेरे साथ साथ सभी को अच्छा नहीं होता। ऑल सेट फॉर दर्शन, तो चलो भाई दर्शन कर लेते हैं जरा। लिटरली बहुत प्यारा है, केशव थोड़ी सी स्टोरी बताया इसके बारे में। इसकी स्टोरी बेसिकली है कि इनको रक्षक बोलते हैं चारों धाम का। जब 2013 में जो आपदा आई थी उसमें कहते हैं कि इनको हटा दिया था, यहाँ से विस्थापित करके इनको हटा दिया था एक हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट के लिए। तभी वो आपदा आई थी, उसके 2-3 घंटे बाद ही जब से इनको विस्थापित किया था। तो फिर आपदा आने के बाद फिर जब यहाँ के लोगों ने कहा तो इनको फिर से पुनर् यहाँ पे स्थापित किया गया ताकि ये चारों धाम की रक्षा कर सके। धारी देवी के दर्शन कर लिए। और दीदी कैसा लगा आपको, है यार? लेकिन पता है अंदर वीडियो फोटो तो बनाना अलाउड नहीं है, तो अंदर ना जो मूर्ति है भाई बहुत पावरफुल है। आपको आना चाहिए देखने के लिए, तब पता चलेगा कि क्या पावर है उसमें। और ऐसे ना क्या बताते हैं कि वो ना चेंज होती रहती है, जैसे कि सुबह के टाइम में उनका बच्चे का रूप होता है, शाम के टाइम में उनका मतलब ऐसे क्या जवानी वाला रूप होता है, और जब रात का टाइम होता है ऐसे क्या उनका बुढ़ापे वाला रूप आ जाता है। तो सुबह को वो कन्या के रूप में होते हैं और दोपहर को वो एक व्यस्क एडल्ट के रूप में होते हैं और शाम को वो एक व्रत के रूप में होते हैं, यानी कि बुजुर्ग के रूप में। मैंने देखो सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, इतना टिपिकल नहीं बनाया, बाकी मजा आया। इसके यहाँ बगल में ना ब्रिज है, अब है ना इधर ब्रिज की बारी है, ब्रिज को देख कर आते हैं कैसा है। इधर देखो पूरा पानी पे, यहाँ पे है ना ये है ब्रिज जिसपे आप फोटो खिंचा सकते हो, घूम सकते हो। और ये बना हुआ है पूरा तारों पे, वाओ लिटरली कितना सुंदर लग रहा है भाई। कमरा देख लो और ये हमारा वॉशरूम है। और ऐसे ना देखो ये बाहर का ऐसे पूरा व्यू है, देखो भाई क्या व्यू है। और भाई मैं तो नहा धो ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी ऊपर, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ी बारिश वारिश का सीन है, तो मैं तो नहा धो के भाई अपना हल्के कपड़े पहन लिए, अब थोड़ा घूम घूम लेंगे है ना। और कमरे की हालत तो आपने देख ही लिया कैसी होगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा। तो हमारी जो ट्रॉली थी वो थोड़ी सी भीग गई, तो हमने क्या ऐसे कपड़े अपने सब ऐसे सुखा रखे हैं। बाकी बहुत शानदार है सारी चीज़ें। बाकी ये जो होटल है ना यार, यहाँ का जो हमने अभी नाश्ता वाश्ता किया था शाम का जो होता है स्नैक वगैरह, वो कुछ हमें खास पसंद नहीं आया। तो बाकी कंटिन्यू रहना आप मेरे साथ है ना, और कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी अपलोड होते रहें मेरे ब्लॉग ऐसे। हम अब ना सब ना ऐसे खाने के लिए बैठे हैं, देखो हम सब ऐसे ना खाने के लिए बैठे हैं। ये देखो केशव तो चरने में लग गया फिलहाल, कुछ भी मैं ऐसे बिना उसके नहीं बताऊंगी कैसा है टेस्ट। मैगी अच्छी नहीं लगी थी यहाँ की, और अभी ये बताऊंगी कैसा है खा के। बाकी फिलहाल खाना दिखा दे, थाली तो अच्छी सी लग रही यार, ठीक है। दिस इज बेटर देन मैगी, दाल चावल बहुत बढ़िया है भाई, मजा आ गया। ठीक है ऐसे क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा टहल वहल लें ताकि हमारा जो खाना हमने खाया है ना अच्छा अच्छा वो थोड़ा सा पच जाए।
से हैप्पी जर्नी टू मी प्लीज गाइज। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करते हैं, ठीक है, बाय बाय।